नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गैस सेक्शन यूट्यूब चैनल में। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से वीडियो नहीं बना पाया था। आज हम जानेंगे विंडोज़ 10 हम किस तरह से फ्रेश इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो इन विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको विंडोज़ डीवीडी जो डीवीडी आती है उसमें उसका आईएसओ फाइल होना चाहिए। उसके बाद में दूसरा मेथड है कि आप पेन ड्राइव ले सकते हैं और उसमें उस फाइल को डाउनलोड करके बूटेबल पेन ड्राइव बना के उसका यूज़ करके आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो ये जो पेन ड्राइव दिख रहा है ये एक पेन ड्राइव है, 8 GB का आपके पास मिनिमम पेन ड्राइव होना चाहिए, जिससे कि आप आपका जो विंडोज़ आईएसओ फाइल होता है उसको मिनिमम 4 GB से ऊपर जगह लगती है, जिससे कि आप उसे इंस्टॉल कर सके। अब ये आईएसओ फाइल कहाँ से डाउनलोड करना है, विंडोज़ 10 इंस्टॉलेशन कैसे करना है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं उसके भी बारे में आपको बताऊंगा। फ़िलहाल मैंने आईएसओ फाइल मेरे पेन ड्राइव में ले ली है। अब मैं पेन ड्राइव मेरे लैपटॉप को अटैच करता हूँ। अटैच करने के बाद में मेरा जो लैपटॉप है इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं लैपटॉप को रिस्टार्ट करता हूँ, रिस्टार्ट होने के बाद में आप अपने बूटेबल जो लैपटॉप कंपनी का उसका की दबाइए। जैसे मेरा एसुस है तो मेरा बूटेबल की जो है इसकी एस्केप है, तो मैं एस्केप दबाऊंगा। जैसे मैं एस्केप दबाऊंगा तो आपके सामने विंडो आ जाएगी। कुछ इस तरीके से आपके सामने जो बूट डिवाइसेस है वो शो करने लग जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको डीवीडी राइटर से बूट करना है या पेन ड्राइव से बूट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सैंडिस्क का जो हमने पेन ड्राइव लगा था उससे हम बूट करेंगे। नीचे हम मूव जो एरो है उससे मूव हो जाएंगे और सैंडिस्क सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे उसके बाद में आपके सामने आपका कंपनी का लोगो आएगा और कुछ ही सेकंड में आपके सामने विंडोज़ की एक बूटेबल स्क्रीन ओपन हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपके सामने एक ब्लू स्क्रीन विंडोज़ की स्क्रीन ओपन हो जाती है। अभी यहाँ पे आपको लैंग्वेज टू इंस्टॉल सेलेक्ट करना है, टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में कीबोर्ड और इनपुट मेथड सेलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा लैंग्वेज टू इंस्टॉल इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट रहेगा और टाइम एंड करेंसी हमारा जो रहेगा हम इंडिया से सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो है इंडिया में हमें चाहिए तो इस पे हम इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। इंडोनेशिया हो गया, एक्चुअली इंडिया करना था, इंडिया कर देंगे। उसके बाद में कीबोर्ड मेथड हम यहाँ पे इंग्लिश इंडिया रख सकते, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इस तो जो विंडो आएगी आपको इसको सिलेक्ट करना है और इसमें आप कुछ अपने अनुसार सेटिंग कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया और इसके बाद में मैंने इसको नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन पूछे जाते हैं, एक रिपेयर योर कंप्यूटर यहाँ पे ऑप्शन आता है, उसके बाद में इंस्टॉल नाउ आपको पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे हम इसको फ्रेश इंस्टॉलेशन सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक होने के बाद में सेटअप जो है हमारा स्टार्टिंग हो चुका है। इस सेटअप को कुछ मिनट लगते हैं अकॉर्डिंग टू योर हार्डवेयर कंपेटेबिलिटी, उसका रैम कितना है, ये सब चीज़ें इस पर निर्भर करती है। तो उसके बाद में आपके सामने एक नोटिस एंड लाइसेंस टर्म्स आता है, उसके बाद में आई एक्सेप्ट लाइसेंस टर्म्स पे क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट करेंगे और ये लाइसेंस टर्म्स जो है आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद में आपको इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको आपके
लैपटॉप में जितने भी ड्राइव्स हैं वो आपको शो करेंगे। यहाँ पे आपको जिस लैपटॉप पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होगा वो बाय डिफॉल्ट आपको सिलेक्ट हुआ मिलेगा, जैसे कि पार्टीशन 3 जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी यहाँ पे मैं इसको फॉर्मेट करूँगा और उसी पे मेरा विंडोज़ इंस्टॉलेशन होगा। तो जिसमें मैंने क्लिक किया है उसको फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद में एक मैसेज देता है कि मैन्युफैक्चरिंग ने जो भी आपके लैपटॉप में ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉलेशन किया है, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन किए हैं, वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आप ध्यान रहे कि आपने जो भी आपने इंस्टॉलेशन किया है या विंडोज सी पे जो भी आपका डेटा है उसका बैकअप ले लें। अब यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करने के बाद में ये कुछ ही सेकंड में आपका ड्राइव फॉर्मेट हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद में ये इंस्टॉलेशन विंडोज़ जो प्रोसीजर है वो एक्टिवेट हो जाएगी। यहाँ पे विंडोज़ इंस्टॉलेशन की जो भी फाइल्स रहेगी वो कॉपी हो जाएगी। गेटिंग फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन 0% है अभी, और ये स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते जाएगा और इसको टाइम लगेगा। जैसे ही ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा आपका विंडोज इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। विंडोज इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने का कहने का मतलब है इसकी कॉपी जो फाइलिंग्स है वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कॉपी हो जाएगी। तो इसको प्रोसेस होने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से जो फाइल्स हैं वो रेडी फॉर इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। 96% इंस्टॉलेशन हो चुका है अब 98, और ये 100% हो जाने के बाद में इसके बाद में जो इसके फीचर्स हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे और जो अपडेट्स हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगे। फिनिशिंग अप जैसे ही ये प्रोसेस होता है तो आप इसका जो पेन ड्राइव आपने अटैच किया था उसको आप निकाल सकते हैं। तो इंस्टॉलेशन अपडेट्स फीचर्स और अब फिनिशिंग अप का कुछ टचअप रहेगा, उसके बाद में ये विंडोज जो है ये रिस्टार्ट हो जाएगी और ये एक स्पेसिफिक पीरियड के साथ में रिस्टार्ट होते रहेगा। अब इसको ये ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा या आप इसे रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। तो हम इसे ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होने देते हैं। अब रिस्टार्ट हो रहा है तभी हम इसका जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो निकाल लेते हैं। मैंने पेन ड्राइव निकाल लिया है। अब विंडोज सिस्टम ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगी। रिस्टार्ट होने के बाद में आपने जो विंडोज सिस्टम इंस्टॉल किया है उसकी जो सर्विसेज है वो स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग सर्विसेज हो रही है। ये इंस्टॉलेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। अब जो हमारा जो डिवाइस है जो उसका जो परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आपके सामने शो करेगा। ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे आपने जो पेन ड्राइव लगाया था उसके जो फाइल्स है वो पूरी कॉपी हो चुकी थी और हमने वो पेन ड्राइव निकाल लिया था। अब जो फाइल कॉपी हो चुकी थी वही अभी इनिशियलाइज हो रही है। अभी आपके सामने जो हमारा डिवाइस है 100% हो चुका है। अब इसके बाद में आपका जो विंडोज़ है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने में कुछ समय लगता है। ये कुछ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में बार बार रिस्टार्ट होते रहेगा और हमारा जो इंस्टॉलेशन आगे बढ़ते जाएगा। ये विंडोज इंस्टॉलेशन जैसे हमने बताया था कि एक पहला स्टेज हमारा हुआ था जो फाइल से वो कॉपी की, उसके बाद में डिवाइस रेडी हुआ। अब उसके बाद में ये थर्ड स्टेप है। इसके बाद में ये विंडोज अभी रन हो रहा है। Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator.
Okay, enough intro. Let's dig in. तो ये जो अभी आपने जो सुना ये Your region is set to the United States. Is that right? अभी यहाँ पे जो प्रोसीजर है वो हमें कंटिन्यू करनी है और कोलकाता जो है हमारा वॉइस रिकॉग्निशन जो सिस्टम है उसे सुन सकता है. यहाँ पे हम इसे यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं. Okay, don't let me hold you up. Just pick the one you want from the list. Your keyboard is set to US. Want to stick with that? यहाँ पे सिर्फ यस करेंगे. Do you also type with another keyboard layout? अगर यहाँ पे आपको कोई अलग से कीबोर्ड लेआउट ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप करेंगे. मैं यहाँ पे स्किप करूँगा. Now let's get you connected to a network. स्किप करने के बाद. That way you can get updates, apps, and cat videos as soon as possible. Okay. How about the first one on the list? Want to use that one? यहाँ पे आपको नेटवर्क कनेक्टेड जो ऑप्शंस हैं वो मिलेंगे, जैसे इंटरनेट है हमारा जो पर्सनल नेटवर्क है वो शो कर रहा है, लेकिन फिलहाल में मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है तो मैं यहाँ से नेटवर्क को आई डोंट हैव नेटवर्क करके इसे आगे चल सकता हूँ. लेकिन मेरे पास नेटवर्क है तो मैं यहाँ पे नेटवर्क कनेक्टेड करूँगा. जो मेरे मोबाइल में नेटवर्क है मैं उसे ऑन करूँगा. जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा जो गैलेक्सी का मोबाइल है वो यहाँ पे शो कर रहा है और मैं उसे कनेक्ट करूँगा मेरे लैपटॉप से. Now type your credentials. और यहाँ पे की डालने को बोल रहा है तो मैं यहाँ पे की डालूँगा. और यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा. Mission accomplished. You're all linked up. नेक्स्ट करने के बाद में हमारा जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो चुका है. अब उसके बाद में हम यहाँ से फिर से नेक्स्ट करेंगे. Now we have some important setup to do. यहाँ पे अभी हमारा जो सब इम्पोर्टेंट जो सेटअप है वो सेटअप शुरू हो रहा है. ये एक बार देख लेंगे आप तो आपसे भी ये हो जाएगा. सिर्फ एक बात ध्यान रहे, इंस्टॉलेशन करते समय आप जब भी कोई ड्राइव फॉर्मेट करते हैं तो उसका बैकअप ज़रूर लें ताकि आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो. Now let's see what's new from Windows. यहाँ पे आपका जो माइक्रोसॉफ्ट से जो अकाउंट ईमेल आईडी लिंक है वो यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है. तो चलिए मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ. मैंने मेरा जीमेल आईडी जो है वो डाल दिया है और नेक्स्ट पे क्लिक किया है. अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका डिवाइस है उसके लिए प्रिंट क्रिएट करने को बोल रहा है तो मैं यहाँ पे मेरे लिए पिन क्रिएट कर देता हूँ. यहाँ पे मैंने जो पिन है वो क्रिएट कर दी है. यहाँ पे एक पहले जो पिन डाले हैं उसी को आप नीचे बॉक्स में डालें, ठीक है. उसके बाद में यहाँ से आप उसको ओके कर दें. ये माइक्रोसॉफ्ट के जो कंपनी है उसकी एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है. यहाँ से आप इसको सेट बदल भी सकते हैं और जैसे रहना चाहिए वैसे रहना भी दे सकते हैं. तो फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ और एक्सेप्ट करता हूँ. एक्सेप्ट करने के बाद में Get a personalized experience as you set up your device. यहाँ पे हम हमारे डिवाइस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. फिलहाल मैं यहाँ पे कोई कस्टमाइजेशन नहीं करूँगा, ये बाद में भी आप कर सकते हैं. इसको स्किप करेंगे. Now let's link your phone and PC using a Microsoft app that can work some magic between your devices. We'll send you a text to get everything set up. Just type your phone number and press send. ठीक है,
यहाँ से आप अपना जो फ़ोन है वो पीसी को कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैं कोई कनेक्शन नहीं करूँगा, इसको बोल देता हूँ कि मैं बाद में, मुझे रिमाइंड करें, मैं ये बाद में कर लूँगा। यहाँ पे बैकअप योर फाइल्स विद विंड ड्राइव आ रहा है, तो यहाँ से हम नेक्स्ट कर देते हैं। Your PC comes with a free 1 month trial with Microsoft 365 Family. Should we get it ready for you to use? यहाँ पे हमें जो Microsoft 365 का ट्रायल दिया जा रहा है, लेकिन हम ये लेंगे नहीं क्योंकि बाद में एरर आता है, तो हम इसे नो थैंक्स बोलेंगे। Hey, look, that's me, Cortana. Can I have permission to use the info I need to do my best work? यहाँ पे हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. देखिए, we are getting everything ready for you. एक ऐसा मैसेज आया है जो मैसेज हमें कह रहा है कि हमारा जो विंडोज इंस्टॉलेशन है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, बस कुछ मिनट्स का अब ये टाइम लेगा। मैसेज भी दिया है, द माइट टेक सेवरल मिनट्स, और कह रहा है कि आपका पीसी, आप इसे शट डाउन ना करें जिससे कि आपका जो इंस्टॉलेशन हो वो इंटरप्ट ना हो। देखिए, हमारा जो विंडोज़ इंस्टॉलेशंस है वो इंस्टॉल हो चुका है और अच्छे तरीके से यहाँ पे रन भी कर रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप विंडोज़ इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। आज हमने सीखा कि विंडोज़ इंस्टॉलेशन कैसे करें, और विंडोज़ इंस्टॉलेशन करने के लिए हमने पेन ड्राइव का सहारा लिया था और उसमें ISO फाइल डाउनलोड की थी। अब वो फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।